शासनस परमात्मा प्रभु महावीर के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदना। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा मेरी माताओं, प्रातःकालीन धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्यन सूत्र की वाचना का लाभ आप सभी हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। हम उत्तराध्यन वाचना में प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान महावीर की स्तुति। हम सभी सस्वर इसका गान इसका पाठ करेंगे। पुछे सुनम समणा माहणाय अगारिणो ये परते थियाय से केणे गंत ही अधम माहो अणेले संसाहु समेखयाय कहम चनाणम कहदं सणम से सिरम कहम नाय सुयस आसी जाना सिरम भिक्षु जहात हेणम आहा स्वयं बोहि जहाण संतम खेयन नहे से कुसले महे से अनंत नाणी अनंत दंसे जसन सिणो चखु पहे ठियस जाना हितम वं चधेम चपे ओढ़म अहेयम तिरियम दिशासो तसाय जेथावर जेय पाणा सेणी चणिचे समेख पन्ने दिवे धम्मं समयम उदाहो से सवदंसे अभिभोयनाने निराम गंदे अणोत्तरे सव जगंस विज्जं गंथा अतीते अभये अणौ से भूय पन्ने अणिये अचारे ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणोत्तरे तपै सूर्ये वा सके वदेवा खिवै जुएमं सेवीरेण परिपुण्य वीरिये सुदंसने वा नगसव सेठे सुरालये वासि मुदा गरे से विराय देव गुणो वे सयं सहसाण उजो पंडगे पंडग वे जयन्ते से जो यणे नव नवै सहसे उद्धो
तो हेठ सहस मेघम पुठेण भेचे ठय भूमि वठिए जम सूर्या अणु पर्यटयन्ति से हेम वन्य बहुनन्दनीय जम सिरै वेदयन्ति महिंदा से पौवै सद महापगा से विराय कंचन मठ वन्य अणुतरे गिरि स्वय पाव दुगे गिरि वरे से जलेव भूमि मही मध्यम मिठेण गिंदे पन्नायते सूर्य शोधले से एवं श्री उस भूरि वन्य मणोर में जो यमारे सुदंसन सेव जसो गिरीश पवो चये महतो पवयस एतो ममे समण नाय पुते जाए जसो दंसन नान सीले गिरीवरे वा निसहायण रोये वसिठे वनयायताण तवो वमे से जग भूई पन्ने मुनि नमजे तमुदाहु पन्ने अणुत्तरं धम्म मुईरैता अणुत्तरं झाणवरं जियाई सुसोक सोकं अपगंड सोकं संखिंदुए गंधवदात सोकं अणुत्तरगं परमं महेशे अशेष कमं सविसोहेता सिद्धिं गते साई मणन्त पत्ते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुणाए जसामनी वाजन शिरै वेदयन्ति सुवर्णा वणि सुवानन्दन माउ सेठ नाणेन शीलेन यदोरि पन्ने तनियं वसद्राण अणोत्तरयो चन्दो तारण महानुभावे गंधे सुवा चंदन माहु सिठं एवं मुनिनं अपडिन माहु जहा स्वयंभो उदहीन सिठे नागे सुवा धारण निंद माहु सिठे खो मण माहुणाए सिहो मियाण सनिलाण गंगा पक्षी सुवा गरुल वेणु देवे निर्वाण वादी निहनाय पुत्ते जो हे सुनाए जह वेश सेणे पुखे सुवा जह अरविंद माहु खटीर सेठे जह दंक वक्रे निसीण सेठे तह वध्य माणे दानाण सेठं अभय पयाण सचे सुवाण वज्जं वयन्ति तवे सुवा उत्तम मंगचेरं लोगो तमे समणे नाय पुते ठीण सेठा लव सत्तमावा
सभा सुहम्मा वसमान सेठा निवान सेठा जय सब धम्मानायकोता परमाथिनाणी पुढ़ो वे गुणय विदाय सन्निको वैयासुपन्ने तरियो समुद्रं च महाभोगं अभयं करे वीरानंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायां लोभं च उत्थं अजथ दोषा एयानि वंदा अर्हा महसीने को वै पावन कारवे किया क्रियं वे नियाणुवाया अन्नानियानं परियच्छानं शेसव वायं इवे येता सराय भत्ता उहां नवम दुख खयठ आए लोगं विदिता आराम परंच सवं प्रभुवार्य सववारं सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियम अठ पदो वसुदं तं सद्यहाणाय जनानाओ देव देवा हि आगमे संते इंदेव देवा हि आगमे संते उत्तराध्ययन सूत्र का 13वां अध्ययन चित्त संबोधीय या चित्र संबोध पेज संख्या 60 चित्त संबोधीय अध्ययन में दो भाइयों की अनेक जन्मों की कथा है। उतार और चढ़ाव से परिपूर्ण इस कथा में दोनों भाई संग संग चलते हैं, परंतु जिंदगी का समय का एक ऐसा मोड़ आता है, दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों बिछड़ जाते हैं। दोनों केवल बिछड़ते ही नहीं हैं, दोनों के केवल मार्ग ही अलग नहीं होते, बल्कि दोनों की मंजिल, दोनों के लक्ष्य भी अलग हो जाते हैं। दशारण देश में दो दासी पुत्र रहते थे। दोनों प्रकृति से ऐसा उन्हें एक वरदान मिला था, दोनों का गला बड़ा सुंदर था, दोनों गाकर अपना जीवन यापन करते थे, परंतु दोनों के साथ एक दुर्भाग्य भी लगा था, क्योंकि लोग ऊंच नीच छुआछूत का बड़ा बवेला मचाते हैं, बड़ा भेदभाव करते हैं। तो बेचारे जहां जाते वहां लोग उनका आवाज सुनकर उनके सम्मान तो बड़ा करते थे, उन्हें सुनते तो थे, परंतु जैसे ही लोगों को पता चलता था ये दोनों दासी पुत्र हैं, तो दोनों लोग उनका अपमान करके उनको निकाल देते थे, भगा देते थे।
इस तरीके से दोनों का जीवन व्यतीत हुआ, दोनों की आयु पूरी हुई। और जो दूसरा उन्होंने जन्म पाया वो पाया कालिंजर पर्वत पर एक मृग के जोड़े के रूप में, ये दूसरा उनका जन्म था। तीसरा मतंग तीर पर एक हंस युगल के रूप में उनका जन्म होता है। फिर उसके बाद काशी में उनका चौथा जन्म हुआ, यहां पर भी उन्होंने दो भाइयों के रूप में जन्म लिया और दोनों के नाम थे, एक का नाम था चित्र और दूसरे का नाम था संबुद। तो ये जो चित्र और संभूत हैं, यहां पर भी प्रकृति से पुनः इन्हें एक वरदान मिला, इनके स्वर का, इनके कंठ का, इनकी जो आवाज थी बड़ी मधुर थी। परंतु क्योंकि स्वपाक कुल में इनका जन्म हुआ है, स्वपाक कुल कल आपको बता दिया कि कौन सा कुल कहलाता है, तो लोग उनके आवाज की तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु जैसे ही पता चलता है कि भैया ये तो स्वपाक कुल के हैं तो लोग फिर से उनको क्या कर देते हैं, खदेड़ देते हैं। इधर उन्हीं दिनों काशी का एक मंत्री था जिसने कुछ गलत काम कर दिया था, वो ब्राह्मण परंतु मंत्री थे, महामंत्री थे, तो राजा ने उन्हें मृत्यु की, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। राजा ने जैसे मृत्यु दंड दिया तो वो ये मृत्यु दंड देने का काम सौंपा गया चित्र और संभूति को। अब चित्र संभूति को जैसे ही उनको कि भैया इसको क्या करना है, इसको मारना है, तो दोनों भाई ने उसको लिया। अब जैसे मारने के लिए जहां भी वध स्थान पर ले जाना होता है वहां उसे ले गए, तो वो जो मंत्री था उसने कहा कि आप मुझे छोड़ दो, मैं ये काम करूंगा, मैं ये नगर छोड़ जाऊंगा, मैं ये देश भी छोड़ जाऊंगा, किसी दूसरे देश में जाकर बस जाऊंगा, परंतु मुझे क्या मत करो, मुझे मारो मत। जिंदगी में कभी कभी अवसर आते हैं लोगों के सामने और वो फायदा उठाने के लिए हर कोई अपना स्वार्थ दिखता है। दोनों भाइयों ने देखा ये इतना बड़ा मंत्री होकर हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, और फिर ये पढ़ा लिखा आदमी भी है, और फिर उस जमाने में बहुत सारी शिक्षाओं में संगीत कला भी सिखाई जाती थी। तो उन दोनों भाइयों ने कहा करे ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको हम आपको जिंदा छोड़ देते हैं, आपको मारेंगे नहीं, परंतु आपको जाने से पहले, आप ये नगर छोड़ो, ये देश छोड़ो, उससे पहले आपको अपनी विद्याएं हमें सिखानी होंगी, आपको हमें पढ़ाना होगा। तो उसने कहा मरता क्या ना करता, ब्राह्मण है वो, परंतु जीवन बचाने के लिए उसने उन दोनों भाइयों की बात मान ली और जाकर उनके घर में रहकर उन दोनों भाइयों को पढ़ाने लगा, उनको विद्या देने लगा। दोनों भाइयों की क्योंकि सीखने की लगन थी, सीखने की इच्छा थी, इच्छा शक्ति साथ में है, दोनों की बुद्धि भी तीव्र है, तो फटाफट उन्होंने संगीत की बारीकियां क्या करने की शुरू कर दी, सीखने शुरू कर दी। पर हुआ ऐसा, यहां भी इस दुर्बुद्धि की मति ऐसी फिरी कि वो जो ब्राह्मण है, वो जो गुरु बनकर आया है, वो उन दोनों के बच्चों के माँ के साथ ही गलत व्यवहार रखने लगा, और ये दोनों भाइयों को पता चल गया। दोनों भाइयों को पता लगा कि ये तो हमारी ही माँ पर कुदृष्टि डालने लगा है, तो उनको एक बार तो ये गुस्सा आया, एक बार तो ये ख्याल आया कि इसको मार ही देते हैं, पर फिर एकदम से ख्याल आया कि नहीं, मारना नहीं है, चाहे आदमी कैसा भी क्यों ना हो, इसने हमें क्या किया है, इसने हमें विद्या दान दिया है, तो हम इसको क्या नहीं करेंगे, इसको मारेंगे नहीं। उन्होंने, दोनों बच्चों ने साफ कह दिया कि देखो आपका जो आचरण है हमें अच्छा नहीं लगता, जितना हमने आपसे सीखना था अपने जीवन के लिए उतना सीख लिया, अब आप यहां से क्या करो, अब आप यहां से चले जाओ। इस तरीके से वो चला जाता है वहां से मंत्री, और जाकर क्योंकि बुद्धि का धनी तो था ही, वो जाकर हस्तिनापुर में सनत कुमार चक्रवर्ती का वो बन जाता है, मंत्री बन जाता है। अब वहां जाकर वो मंत्री बना है। इधर देखो ये दोनों भाई प्राप्त विद्या से नगर में घूम घूम कर संगीत का आयोजन करते हैं, लोग इनके संगीत के इतने दीवाने कि जहां भी जाते हैं वहां लोग इनके पीछे पागलों की तरह हैं।
अब बाद में, अब काशी नगरी में है वो, काशी तो वैसे ही ब्राह्मणों की नगरी, वहां तो छुआछूत और भेदभाव का ऐसा जंगल खड़ा किया हुआ इन्होंने। तो वो दोनों जैसे ही गाते लोग आते, वहां छुआछूत का कोई भेदभाव जैसा कुछ रह नहीं जाता। ब्राह्मणों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि इस नगर में तुम्हारा कोई कार्यक्रम नहीं होगा, तुम यहां से निकलो। और बेचारों को केवल और केवल काशी से ही नहीं, बल्कि काशी में जो पूरा का पूरा जनपद था, उस पूरे के पूरे जनपद से, क्योंकि पुराने जमाने में ये देश कहलाते थे, वाराणसी उसकी राजधानी थी और काशी पूरा का पूरा एक जनपद, तो पूरा एक आदेश, एक फरमान निकाल दिया गया कि पूरे जनपद में तुम दोनों भाई कहीं नजर नहीं आने चाहिए। अब दोनों भाइयों को, बेचारों को बड़ा बुरा लगा कि देखो यही हमारा जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, मातृभूमि है, यहाँ के लोग हमसे इतना बड़ा प्रेम करते हैं, परंतु ये लोग हैं कि हमारा, हमारी जो प्रतिभा है उसे प्रकट नहीं होने देते, उसका सम्मान नहीं होने देते। आखिरकार दोनों भाई उदास होकर काशी जनपद से निकल जाते हैं और कहीं उनके मन में एक तो ख्याल आ गया कि ये समाज जो है ये हमारा सम्मान नहीं करने वाला, ये हमें अंगीकार नहीं करने वाला। एक साधु से उनका मिलना हुआ और दोनों भाई क्या हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं। साधु बनने के बाद कठोर तपस्या करते हैं और बहुत सारी लब्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। अब देखो दोनों भाई जब साधु बन के घूमते घूमते कहां पहुंचे, वापस हस्तिनापुर, जहां वो काशी का मंत्री क्या है, मंत्री बना हुआ है, वहां आ जाते हैं। वहां आने के बाद संयोग ऐसा हुआ दोनों भाइयों को उस मंत्री ने देख लिया। अब जैसे ही देखा उसके मन में ख्याल आया कि ओहो ये तो दोनों वही हैं, अगर इन दोनों को तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं तो देश से निकाला गया एक अपराधी हूं, और केवल राजा का ही नहीं बल्कि मैं तो इन दोनों का भी अपराधी हूं। जिन्होंने मुझे शरण दी, जिन्होंने मेरे को जीवन दान दिया, उन्हीं लोगों के प्रति भी मैं क्या हो गया, कृतघ्न हो गया। मैं तो इनका भी अपराधी, राजा का भी अपराधी, अगर इन दोनों भाइयों ने यहां मेरा पोल पट्टी खोल दी तो मैंने जितना सम्मान अर्जित किया है वो तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, उस समय में चित्रमुनि और जो दूसरा था संभूत, चित्रमुनि तो आहार के लिए गए हुए थे और संभूत वहां किसी स्थान पर ध्यान में लीन था। तो ये जो मंत्री है इसने आदमी भेजे कि जाओ और तुम दोनों भाइयों को क्या कर दो, मार दो, या ऐसा कहो कि इस नगर से मार पीट के क्या कर दो, निकाल दो, और कहना कि यहां दोबारा मत आना। तो क्या हुआ, वो लोग गए, चित्रमुनि तो थे नहीं, उन्होंने संभूति की पिटाई कर दी और पिटाई करके कहा कि निकल जाओ यहां से और दोबारा इस नगर में वापस मत आना। तो संभूत मुनि को लगा कि भैया हमारा तो यहां अब क्या, हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि इन्होंने खामखा आकर मेरी पिटाई कर दी। तो पिटाई करने के बाद वो उन्होंने ज्ञान से देखा और ज्ञान से देखने के बाद पता चल गया कि ये तो सारी की सारी कारस्थानी किसकी है, उस मंत्री की है। उसे बड़ा क्रोध आया और कहा कि इस आदमी ने केवल और केवल अपना स्वार्थ देखा, नगर वालों से मेरा अपमान करवा दिया, तो ऐसे नगर वाले जो बिना सोचे समझे किसी की बात मानते हैं, इनको तो जीवित रहने का कोई क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। तो उसने तेजोलेश्या प्रकट कर दी और तेजोलेश्या प्रकट करके उसने पूरे नगर को पूरे तपाना शुरू कर दिया, एक गर्माना शुरू कर दिया। लोग बड़े हैरान, बड़े परेशान कि ये एकाएक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई है, और पूरे नगर में धुआं ही धुआं। चित्त मुनि को एकदम से ख्याल आया कि उसने पता लग गया कि भाई भाई ने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ी कर दी। इधर से क्या होता है, सनत कुमार जो चक्रवर्ती हैं अपनी रानियों के साथ कहाँ आते हैं, वहां संभूत मुनि के पास क्षमा याचना करने के लिए आते हैं। चित्र मुनि के साथ सनत कुमार चक्रवर्ती हैं, परिवार वाले हैं सारे, वो आए हैं और आके सनत कुमार उनके पाँव में नमस्कार करते हैं। इधर वो तेजोलेश्या छोड़ रहे थे और इधर सनत कुमार ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उसकी रानी ने, उसकी जो रानी थी उसने प्रणाम किया। तो जो रानी ने जब प्रणाम किया तो उसके बाल जो थे वो जाकर मुनि के पाँव को छू गए। अब वो बाल इतने सुकोमल, इतने कोमल थे, वो इतना मृदु स्पर्श था कि वो उसे भा गया, और भा गया। उसने देखा, अभी तक तो ध्यान उसका इधर उधर था, पर जैसे उसने नीचे देखा तो रानी के बाल और रानी का सौंदर्य, और ऊपर से सनत कुमार तो स्वयं में अपने आप ही सौंदर्य की मूर्ति थे,
जब दोनों को देखा और दोनों का इतना अद्भुत रूप, इतना अद्भुत सौंदर्य देखा, तो मन में वो सारे जो कलुषता थी वो तो मिटी सो मिटी। पर इसके बाद एक और भावना मन में आ गई कि भैया अगर कुछ होना है ना तो इनके जैसा हो। अभी तक पूरे के पूरे जीवन में अपमान पाया था, तो मन में ये सम्मान प्राप्त करने की, ये सुख प्राप्त करने की क्या हो गई, इच्छा जग गई। और इच्छा जगते ही उन्होंने अपने मन में एक निदान कर लिया कि इस जीवन में अगर मैंने जो तपस्या की है, उस तपस्या का अगर कोई सामर्थ्य, कोई बल, कोई शक्ति हो, तो अगले जन्म में भी मुझे भी ऐसा ही वैभव, ऐसी ही शक्ति, ऐसा ही सौंदर्य और ऐसी ही संपन्नता की क्या हो, प्राप्ति हो। और इस तरीके से निदान करके संभूत मुनि निदान करते हैं। चित्र मुनि उन्हें बहुत समझाते हैं परंतु आखिरकार वो समझते नहीं। और इस तरीके से ये जन्म इनका पूरा होता है। देवलोक में दोनों भाई जाते हैं और वहां से जो संभूत है उसका जन्म होता है पंचाल में। पंचाल देश का वो राजा बनता है और आखिरकार क्या बन जाता है, चक्रवर्ती सम्राट बनता है, और जिसका नाम होता है ब्रह्मदत्त। इधर जो चित्र है वो भी चित्त नाम से चंपा नगरी में उनका जन्म होता है, एक सृष्टि कुल में, और बाद में वो अपने जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से साधु बन जाते हैं। इधर ब्रह्मदत्त को भी जाति स्मरण ज्ञान होता है, अपने पूर्व के 5 जन्मों का ज्ञान होता है, अपने भाई की याद आती है और फिर वो ये सोचता है कि मेरा भाई कहाँ है। एक गाथा बना के पूरे देश में प्रचारित करता है। एक किसान उस गाथा को लेकर जब गा रहा होता है तो चित्त मुनि उस गाथा को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। किसान जाकर कहाँ सुना देता है, ब्रह्मदत्त को। ब्रह्मदत्त को पता चलता है, वो कहता है कि भैया मुझे तो नहीं लगता कि तू मेरा भाई है, सच सच बता कि ये गाथा पूरी की किसने। तो वो बता देता है कि एक साधु हैं, उन्होंने ये गाथा पूरी की। तब ब्रह्मदत्त की और चित्त मुनि की आपस में उनका मिलन होता है। जब मिलन होता है तो आपस में अब दोनों भाई, चित्त मुनि ये सोचता है कि ब्रह्मदत्त को साधु बना दूं और ब्रह्मदत्त ये सोचता है कि मैं अपने भाई जो ये चित्त है इसको क्या कर लूं, वापस संसार में ले आऊं। तो इन दोनों की जो आपसी खींचातानी है, चित्त मुनि के वैराग्य का उपदेश, ब्रह्मदत्त का राग का, राग की बातें, दोनों आपस में एक दूसरे को जो कहते हैं, उसी आपसी वार्तालाप का इस अध्ययन में वर्णन किया गया है। और पहले हम गीतिका लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना है मुक्ति पथ की वंचना। मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते, संभूत सी चरिया रही तो आग दुख में डोलते, संभूत सी चरिया रही तो आग दुख में डोलते। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पूर्व भाव में चित्त संभूति मुनिवर थे तपधारी, संभूत मुनि को रानी के जब केश लगे सुखकारी, चित्त ने तब उनको समझाया तप का पुण्य कमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सातवीं, भार भूत आभूषण समझो गीत विलाप सरीखे, विडम्बनामय नाटक सार पापों के फल तीखे,
काम भोग दुख दाई राजन उनसे राग हटा लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। 12वां सूत्र संयम जीवन जी न सको तो आर्य कर्म अपना लो प्राणी मात्र पर करुणा करके दुर्गति को तो टालो आखिर काम भोग भी छूटे सच्ची बात पचा लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। अब हम मूल पाठ लेंगे। नमो थोणम समणस भगवो महावीरस जाई पराजियो खलो काशी नियाणम तो हथिण पुरमी चुलणीय बंब दत्तो ओ वन्नो पौम गुम्माओ कंपिल्ले शंभुओ चित्तो पुण जाओ पुरीतालम्मी सेठी कुलम्मी विशाले धम्मम सो ऊण पव्वयो कंपिलम्मी अनैरे समागया दो विचित्त शंभुया सुह दुख फल विभागम कहिंती ते इक्कमिकस चक्कवट्टी महिधियो बंब दत्त महायसो भायरम बहुमानेनम इमं वयनम अब्बवि आसिमो भायरा दोवि अन्न मन्न वसाणुगा अन्न मन्न मनोरत्ता अन्न मन्न महिषिणो दासा दसन्ने आसिमिया कलिंजरे नगे हंसा मयंगतीराय सुवागा का शिवो में देवाय देवलोगम्मि आसि अम्मे महिढिया इमाणो छठिया जाई अन्न मन्नेन जावेणा कम्माणियाण पगडा तुमे राय विचिंतिया तेसिम फल विभागेण विप ओगमु वागया सच्च सोयप पगडा कम्मा मये पुरा कड़ा ते अज्ज परिभुंजामो किन्नो चित्ते विसेतः सर्वम सच चिन्नम सफलम नराणम कडाण कम्माणम नमोख अथे अथे ही कामेय उत्तमे हिम आयाम मम पुण्य फलो ववे जानासि संभूय महानुभागम महिढियम पुण्य फलो ववेयम चिंतम पिजान जाना ही तहे वरायम इड्डी जुई तस्स विप्पभूय महत्तरुवा वैणप्पभूय गाहाणुगीय नरसंग मज्जे जम्भ्युंकुणो शीलगुणो ववेय एहम जयंते समणो मे जाओ उच्चो यै महो कक्केय बंबे पवेय आवसहाय रम्म इमं गेहमचित्त धनप्पभूयं पसाहि पंचानुगुणो वेयम नटेह गेय वायेयम नारी जनाय परिवारयंतो भंजाय भोगाय माय भिकुम अमरोये पवज्जाहु दुखम तं भुवनेह कयणाय रागम नराहि वं काम भुवने सुगिद्धम धम्मेस्यो तस्स हि अणुपे चित्तो इमं वयनम उदाहरित्था सर्वं विलवीयं गीयं सर्वं नट्टं विडम्बीयं सव्ये आभरणा भारा सव्ये काम दुहावः बालाभिरामेषु दुहावेषु नतं सुहं काम गुणेशुरायं विरत्त कामान धनो तवो धनानम जम्भिक्खोणम शीलगुणे रयाणम नरिंद जाये अहमा नराणम सोवाग जाये दुहो नयाणम जय हिम वयम सव जन सविसा अस्य वसी असोवाग विणिवे सणेशु तीसे जाये उपय पावियाय वच्छामु सोवाग निवेशणेशु सवस लोगस दुगुंचणिज्जा एहम तो काम कम्माय पुरी कडाय सोदाणिसिम राय महानो भागो मही धियो पुण्य फलो ववे ओचयित भोगायम असासयायम आयाण हेहो अभिनिखमाहि एह जीवी ये राय असासयम मे धनियम तु पुन्नायम अकुव माणो से सोए पच्चो मच्च मोहो वणीय धम्म मकावण परम मिलोय जहे सियो मेयम गहाय मच्चो नरम ने तो अनंत काले तम अंत काले न तस्स माया वपि अव भाया कालम मितम मन सहरा भवंती न तस्स दुखम विभयंति नायु न मित्त वग्गा न सुया न बंधव एको संयम पच्चुण होय दुखम कत्तार मे अणुजाय गम्मम चिच्चादुपयम च चौपयम च खेतम गेहम धन्नधनम च सर्वम सकम अभियो अवसोपयाय परम भवम सुंदर पावगम वाय तम इक्कगम तुच्छ शरीरगम से चीयगयम चीयगयम तहि यौ पावगेणम भुज्जाय भज्जाय पुत्तावीय नायगो नायोवा दायारमन्नम अनुसंगमंति ओणिज्जय जीवीयमप्पयमायम
वन्नम जरा हर नरसराय पंचालय वयनम सुना माँ काशी कमय महालय अहे अहम पिजाण हे जहे हसाहु तम जम्मे तुम साहसी वक्कमे भोगा इमे संग करा हवंती ते जुज्जुय दुज्जुय अज्जो अम्हारी सेहिम हत्यन पुरम में चित्ता दठोणम नर वय महिढ्यम काम भोगे सु गिद्देनम नियाण मसोहम कडम तस्समे अपडिकं तस्स इमम यारी संवल जान मानो मे वीजम धम्मम काम भोगे सु मुच्छियो नागो जहा पंक जलाव सन्नो दठुम थलम नाभि समे तीरम एवं वयम काम गुणे सु गिद्धा न भिक्षुण मग्गणु वयामो अचे कालो तुरंतिरायो नया विभोगा पुरिसान जिंचा उविच्च भोगा पुरिसम चयंती दुमम जाकीण पलम वपक्षी जैतम सि भोगे चयोम असत अज्जाय कम्माई करे राय धम मोठियो प सव्य पयाणु कंपी तो हो ही सी देवो इो वि उवि न तुज भोगे चय ऊण बुद्धि गिद्दोसी आरंभ परिगहे सु मोहम कौ इत्यो विप्पलाओ गच्छा मे रायम आमंति ओसी पंचाल राया भी अबंब दत्तो साहु सो तस् वयनम काउ अनुत्तरे भुंजे काम भोगे अनुत्तर सो नरे पविठो चितो वि कामे विरत्त काम उदग चारे ततो महिषी अनुत्तरम संजम पाल इत्ता अनुत्तरम सिद्धे गयम गौ तिवे में चौदवा ईशुकालीय अध्ययन। ईशुकार नगर ईशुकार नाम के ही राजा थे और उनकी रानी का नाम था कमलावती। उनके जो पुरोहित थे राज पुरोहित जिनका नाम था भृगु और यशा उनकी पत्नी का नाम, परंतु दोनों ने संतान थे। आखिरकार एक बार जिन दो देवताओं ने उनके घर में जन्म लेना था वो साधु का रूप रख के उनके घर पर आए और उन्होंने बताया उन्हें कि अब शीघ्र ही आपके यहाँ पर दो पुत्रों की आपको प्राप्ति होगी, परंतु एक चीज है कि वो जैसे ही थोड़े से बड़े होंगे तो वो साधु बन जाएंगे। तो जब दोनों पति पत्नी ने ये सुना कि वो दोनों साधु बन जाएंगे तो उन्होंने मन में एक विचार किया कि हम अपने पुत्रों को साधु नहीं बनने देंगे। तो साधु नहीं बनने देंगे तो नगर में रहेंगे तो यहाँ तो साधुओं का आना जाना लगा रहता है, तो हम एक काम करेंगे, हम एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ साधुओं का आवागमन ही ना होता हो, जहाँ उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा करके वो नगर को छोड़ के एक गांव में जाकर बस जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति होती है। दोनों पलते हैं बढ़ते हैं। एक बार गांव के बाहर वो खेल रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने साधुओं के बारे में दोनों बच्चों के मन में बड़ा भय भी बड़ा डर भी बिठा रखा था कि साधु आते हैं झोले में चाकू छुरे लेकर आते हैं, बच्चों को देखते ही वो अपने बच्चों को उनको काटते हैं पीटते हैं अपने झोले में लेकर चले जाते हैं और इस तरीके से उन्हें खा जाते हैं। अब बच्चों के मन में बड़ा डर है बड़ा भय है। एक दिन क्या हुआ, दोनों गांव के बाहर जब खेल रहे थे एक बड़ का या पीपल का एक घना वृक्ष था उसके चारों तरफ दोनों खेल रहे थे। इतने में क्या हुआ, उन्होंने साधुओं को आते हुए देखा। जैसे ही माता पिता ने जैसा आकार प्रकार बताया था वैसा ही उन्होंने क्या देखा, आते हुए देखा। दोनों फटाफट और तो बुरी तरीके से डर गए, भागने का अवकाश था नहीं समय था नहीं क्योंकि वो गांव की तरफ से आ रहे थे। अब बचने के लिए वापस गांव की तरफ तो भाग नहीं सकते क्योंकि सामने पड़ जाएंगे। तो दोनों ने बचने के लिए क्या किया कि जो पेड़ था उसी पेड़ पर क्या हो गए, ऊपर चढ़ गए। अब वो साधु वो भी चलते चलते कहाँ आ गए, उसी पेड़ के नीचे। उसी पेड़ के नीचे आए, उन्होंने आहार करना था, उन्होंने पूंजा धरती को साफ किया, आसन बिछाया, वहाँ पर बैठे और भोजन करने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने भोजन करना शुरू किया तो इतने में कुछ कीड़े मकोड़े वहाँ क्योंकि जगह खुली थी आने लगे, तो साधुओं ने अपनी पूंजनी ली और पूंजनी से उसे क्या करना, उन कीड़े मकोड़ों को हटाना शुरू कर दिया। ऊपर ये सारा का सारा जो दृश्य था दोनों बच्चों ने देखा। मन में आज तक साधुओं के प्रति एक धारणा थी कि साधु झोला लेकर आते हैं उसमें उनके हथियार होते हैं, बच्चों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। परंतु यहाँ तो सारा का सारा उल्टा था, वहाँ कोई हथियार नहीं बल्कि वहाँ तो रोटी सब्जी थी और जहाँ मारने की बात है वहाँ तो वो कीड़ों तक को भी क्या नहीं कर रहे हैं, मकोड़े कीड़े मकोड़े जो बेचारे आ रहे हैं उनको भी कष्ट नहीं पहुँचा रहे हैं, तो ये बच्चों को कैसे मारेंगे। ऐसा उनके मन में ख्याल आया, उन साधुओं का आहार हुआ, दोनों बच्चे नीचे उतरे और वहीं कहते हैं कि उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण का मतलब अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ, उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान का उन्हें पता लग गया कि हम तो पहले जन्म में भी क्या थे, साधु थे, फिर देवलोक में थे, हम सभी साथ थे, बस थोड़े थोड़े अंतरकाल में थोड़े थोड़े समय के बाद हमारा धरती पर आना हुआ है। तो दोनों साधुओं के सामने उतरे, वंदना नमस्कार की
और उनसे कहा कि हम जल्दी ही आपके पास आएंगे और हम दोनों भाई क्या करेंगे, दीक्षा लेंगे। दोनों घर गए और माता पिता के सामने जाती बम फोड़ दिया कि जी हम तो क्या करेंगे, साधु बनेंगे। जैसी ही भृगु और यशा ने सुना, दोनों ने माथा पीटा कि लो, वो नगर का घरा भरा पूरा परिवार छोड़ के, अपना इतनी अच्छी वहां जगह छोड़ के हम इस गांव में इसलिए आए ताकि हमारे दोनों बच्चे क्या ना करें, साधु ना बने। और इनके मन में यहाँ पे भी ख्याल आ गया कि भैया हम साधु बनेंगे। पर दोनों बच्चों को बहुत सारी बातें वो समझाते हैं, बहुत तरीके से मनाते हैं, परंतु दोनों बच्चे नहीं मानते। आखिरकार जब दोनों बच्चे नहीं माने तो भृगु ने अपने मन में एक संकल्प किया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो यशा, दोनों बच्चे तो साधु बनने वाले हैं, अब अगर ये साधु बन जाएंगे तो फिर मुझे भी इस दुनिया में रहने से कोई वो नहीं है, कोई लाग लगाव नहीं है इन बच्चों के लिए। मैं दुनिया में था, अगर यही नहीं रहेंगे तो फिर मैं भी क्या करूँगा, साधु बनूंगा। जब भृगु ने कहा कि मैं साधु बनूंगा, तो यशा ने कहा कि जब तुम तीनों साधु बनोगे तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं भी क्या करूँगी, मैं भी साध्वी बनूंगी। और इस तरीके से चारों जने दीक्षा ले लेते हैं, चारों जने दीक्षा लेते हैं। इधर भृगु क्योंकि पुरोहित था, बड़ा धनाढ्य था, बड़ी धन संपत्ति थी, तो पुराने जमाने में एक चीज होता था कि पीछे अगर धन का, संपत्ति का, जमीन जायदाद का अगर कोई मालिक नहीं रहता था तो वो सारा का सारा धन, वो सारी की सारी संपत्ति राजकोष में पहुंच जाती थी, राजा के पास अपने आप ही राजा की हो जाया करती थी। तो भृगु पुरोहित अपने पीछे इतना जाहो जलाली छोड़कर गया था, तो वो सारा का सारा धन, वो सारी की सारी संपत्ति और जितनी जमीन जायदाद थी वो सबको बेचकर, जितना भी धन था वो सारा का सारा गाड़ियों में भरकर राजा के महल में पहुंचाया जा रहा था। ये जो दृश्य है ये किसने देखा, राजा की रानी कमलावती ने। जैसे कमलावती ने देखा तो राज दरबार लगा है और कमलावती पहुंच गई राज दरबार में, और राज दरबार में जाकर उसने राजा को फटकारना शुरू कर दिया कि राजन, मुझे तो ख्याल ये नहीं था कि आप ऐसी हरकत करेंगे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा काम करेंगे। राजा ने कहा, करे देवी दरबार है, बात क्या हुआ, क्या मैंने ऐसा क्या काम कर दिया। करे आपने क्या काम किया है, अरे एक व्यक्ति त्याग करता है और आप त्यागे हुए जूठन को क्या कर रहे हो, अपने यहां मंगा रहे हो, अपने खजाने भर रहे हो। अरे एक तरफ उस ब्राह्मण देवता को देखो जो सब कुछ छोड़कर, जो सब कुछ तिनके की तरह त्याग कर अपने पूरे परिवार के साथ क्या हो गया, दीक्षित हो गया, सन्यासी हो गया, और दूसरी तरफ आप राजा होकर इतने लोभी, इतने लालची बन रहे हैं कि उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा धन अपने राजकोष में भरवा रहे हो। करे ये अच्छी बात नहीं है। करे राजन, मैं भी अब उसी पथ पर चल रही हूं जिस पथ पर वो चारों चल पड़े हैं। जब राजा ने यह सुना तो राजा की आंखें खुली, उसने कहा कि देख देवी, अगर तू भी चली तो फिर मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी चलता हूँ। इस तरीके से दो बच्चों के साथ उनके माता पिता, राजा और रानी, ये छहों जने दीक्षा लेते हैं। इन्होंने दीक्षा लेकर अनेक वर्षों तक संयम का पालन किया, और संयम का पालन करने के बाद ये छहों जने ये मुक्ति को साधते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये जो अध्ययन है, इस अध्ययन में, इशुकार्य अध्ययन में, पहले भृगु पुरोहित और उनके दोनों पुत्रों के आपस में वार्तालाप होता है, उसका वर्णन है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो है रानी कमलावती और इशुकार राजा के मध्य में जो वार्तालाप, जो बातचीत है, जिसमें रानी कमलावती राजा को बुरी तरीके से फटकारती है, उसका वर्णन इस अध्ययन में है। पहले हम गीत लेंगे और उसके बाद मूल पाठ। अंग जात भी त्राण नहीं दे, काम भोग दुख देते, बंध बढ़ाते राग द्वेष है, शरण कोई ना देते, समय लौट करके नहीं आता, पाप कर्म क्यों बोए, भृगु पुत्र से बुद्ध बने बिना समय को खोए, भृगु पुत्र से बुद्ध बने बिना समय को खोए, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन
आठवां सूत्र, थोड़ी है आयुष्य यहाँ और रोग विघ्न है सारे, मुनिचर्या अपना करके अब मुनि पथ को संभारे, मात पिता की अनुमति पाकर दीक्षा पथ संभालो, जीवन धन्य बनालो, जीवन धन्य बनालो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बनालो, जीवन धन्य बनालो। दसवां, वेद ज्ञान नहीं रक्षा करता ब्रह्म भोजना तारे, पुत्र कभी सदगति नहीं देते धर्माचरण उबारे, कैसे माने बात आपकी इनको दिल से निकालो, जीवन धन्य बनालो, जीवन धन्य बनालो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बनालो, जीवन धन्य। बत्तीसवां सूत्र, जैसे बंधन तोड़ के हस्ती चलते अपने घर को, कर्म काट कर से ही हम पावे अब अक्षर को, ज्ञानी जन कहते हैं राजन श्रेय पंथ अपना लो, जीवन धन्य बनालो, जीवन धन्य बनालो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बनालो, जीवन धन्य बनालो। मूल पाठ, देवा भवितान पुरे भवमी के चुया एक विमान वासी पुरे पुराणे उसुयार नामे खाए समिद्धे सुरलोगरम में सकम सेसेन पुरा का एनम कली सुद कुली सुदग्गी सुयते पसुया निविन्न संसार भया जहाय जनिंद मग्गम शरणम पवन्ना पुमत्तमागम कुमार दोवी पुरोहियो तस्साय पत्ति विशाल कित्ती यतहे सुयारोता यत देवी कमला वैया जाय जरा मच्चु भिया विभूया बहिम विहारा भिनिविठ विणविठ चित्ता संसार चक्कस विमोक्षण जठून ते काम गुणे विरता पिय पुत्तगा दुन्नि विमाहणस सकम मसीलस पुरोहि यस सरित्तु पुराणियम तथ जाय तहा सुचिन्नम तव संजमम च ते काम भोगेसु असज्जमाणा मानुष येसु जिया विदिवा मोखाभिकंखी अविजाय सड्डा तातम उवागम इमम उदाहु असासियम दठ्ठु इमम विहारम बहुंतरायम नैदिहमाउ तम्मा गेहंसि नरायम लभामोन आमंत्रयामो चरे सममोणम अहतायगो तथ मुनीन तेसिम तव सवाघाय करम रयासि इमम वयम वियो वयन्ति जहान होय असयान लोगो अहिज्यवेय परिवस्य वप्पे पुत्ते पडितप्प परिठप गिहंसी जाया भोचान भोय स इथियाहिम आरंडगा होय मुनीन मुनिपसत्था स्वयंजना आयु गुणिधनेन मोहाणिला पज्जनला हियेण संतत भावं परितप्पमानं लालप्पमानं बहुवा बहुं च पुरोहियं तं कमसोणुनंतं निमंत्रयन्तं च सुयधनेनं जहक्कमं कामगुणें चेव कुमारगाते सप सपसमिखवक्कम रिया अहियान भवन्ति तानं पुत्तादियानि नित्ति तमं तमेनं जायाय पुत्तायन हवन्ति तानं कोणामते अणुमज्ञेयम् खणमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अणिगाम सुखा संसार मुखस्य विपक्ष भूया खाणी अणत्थान वुकाम भोगा परिवयंत अणियत्त कामे अहोयराव परितप्पमाणे अणपमत्ते धनमय धनमे समाणे पोतिमच्चुम पुरिषे जरम च इमं च मे अति इमं च नति इमं च मे किच्चम इमं अकिच्चम एव तम एवमेवं लालप्पमाणं हरा हरन्तीति कहं पमाओ धनं पभूयं सह इथियाहिं सैणतः काम गुणा पगामा तवं कै तप्पैजस्य लोगो तं सवसाहीणमिहेव तुभ्यं दैन किं धम्म धुराहि गारे सैणेन वकाम गुणे चेव समणा भविष्याम गुणोहधारी व्यहं विहारा
अभिगम अभिकम जहाँ यह अग्नि अरणि असंतो खीरे घयम तेल नमः तिलेशु एमे वजाया शरीरं से सत्ता संबंध से ना सही ना वचिठे नो इंद्रिय गज मुक्त भाव विहो निचो जनते हो नय से बंधो संसार उच वैंति बदनम जहाँ वयम धम्म मजान माणा पाम पुरा कम कम मकासी मोहा आरुभ ओरुभ माणा परित्रखयंता ते नम न तमड़ेव भुज्जो विसमाय रामो अभ्याम्य लोगम्य सव्वय सव्वौ परिवारी अमोहाहिम पड़ती हिम गेहन से नम रईम लभे केण अब्बा वो लोगो केण वा परिवार हो के वा अमोहा वोता जाए चिंतावरो में मच्छुणा अब्बा हो लोगो जराय परिवार अमोहा रैणी वोता तुम एवं ताय बियाण जा ज वच्चे रैणी नैसा पड़ी नियत अमंकुल मानस अफला जनते रायो ज ज वच्चे रैणी नैसा पड़ी नित नियत धम्म चकुण मानस सफला जनते रायो एगो सव संतान संव सित्ताणम दुहौ संव सम्मत्त संजुया पच्छा जाय गमे सामो भिखो भिख माणा कुले कुले जस सत्य मचुणा सखम जस जस वत्थी पलायणम जो जाने न मरिस सामे सोहु कंखे सुयेसिया अजीव धम्म पड़िवज्जयामो जहिम पवन्नान पूर्ण भवामो अनागयम देव न अति किंचि श्रद्धा खमम नो विण इत्तु रागम पहीण पुत्त सोहु नथि वासो विसित वासिथि भिखाय रियाय कालो सहाय रुखो पलहे समाहिम छिन्ना ही साय तमेव खाणु पंखा विहणो व जय पखे भिखा विच विहोणो व रैणे नरिंदो विवन्न सारो वणियो व पोए पहिण पुत्तो में आहा तहा अहम्पि सुसंभ्रिय काम गुणा इमेते संपिंडिया अग्गर अग्गर सप भूया भुंजा मुत्यो काम गुणा पगामम पच्छागमे संवहणमग्गम पुत्तार सा भोय जहाणो जहाणो वै वो नो जीवी यठा पजहा में भोय लाभम अलाभम च सोहम च दुखम संचिखमाणो चरिसा में मोणम माहो तुम्म सोय रियाण मसंबरे जुन्नु वहंसो पड़ि सुत्तगामी भुंजाय भोगान मय सया समाणम दुखम को विखाय रिया विहारो जहाँ ये भोई तणियम भयंको निम्मो यणंद हिच पली पुतो इमे जाया पज हंति भोए ते हम कहम नाणु गमिस समिको छिंडित जालम अवलम चरोहिया मच्छा जा काम गुणे पहाय रोरे सीला तवसा दारा धीरा वो विखाय रियन चरंती तनहे वो कुंचा समय कमंता तहा तयाणी जालाने दलित तो हंसा पलिन तो पुत्ता ये पई मध्यम तय हम कहम नाणु गमिस समिका पुरोहियम तम सुसीम सदारम पुच्चा सोचा भिणिकम पहाय भोय कुटुंब सारम विलोत व्यूलतम च रायम अभिखम समुवाय देवी वंतासी पुरुषो रायम न सो होय पुसंसी पसंसी हो महाणेन परिच्छतम धनम आदाव मिच्छसि सर्वम जगम जयी तोहम सर्वम भावे धनम भवे सर्वम पीते अपजत्तम देवतानाय तम तव मरिहसि रायम जयातया वा मनोरमे काम गुणे पहाय इको धम्मो नर देवतानम न विजय अन्नमिहे हकिंची नाहम रमे पक्षिणी पंजरे वा संतान छिन्न सचरिस्सामि मोणम अकिंचना उज्जुकडा निरामिसा परिगहरम्भ मणिणीय दत्तोसा दवग्गिणा जहारण्य ब्रजमाणे सुजंतुसु अन्य सत्ता पमोयंती रागुदोष वसम गया एवं वयम बुढ़ा काम भोग सुमुचे ब्रजमाण न बुझ्झामो रागुदोष गिणा जगम भुज भुज्जा भोगे भुज्जा पमिताय लो भूय विहारेणो अमोयाण माणा गच्छन्ति धिया काम कम एव इमे बद्ध भंदंती मम हथज हथज मा गया वयम च सत्ता कामेशु भविष्यामो जहाति मे सामेशम कुलम देश बज्जमाणान माणम निरामिषम आमेशम सव मुज्जिता विहरिष्यामि निरामिष गिद्धो वमेण ऊणचाणम कामे संसार वर्णने उरगो सवंड पासिव संकमाणे तणुम चरि नागो वंदनम चित्त अपनो वसहिम वै एयम पथम महारायम उस्सु यारित्य में स्वयं चैत्ता विहुलम रज्ज काम भोगे दुच्चे निव्वीय निविषया निरामिषा निन्नेह निपरिग्रह सम्मम धम्म भियाणिता चिच्च काम गुणे वरे तव परिगिज खाय घोरम पुर प्रकम एवं ते कम सुबुद्ध सव्य सम्म परायण जम्म मच्चो भियोग दुख संत गवेषेणो सासने विगय मोहाणम पूवें भावन भावय अचिरेणे वकालेण दुख संत मुआगया राया सह देवीय माहणोय पुरोहिय माहणि दारगा चेव सव्यते परिनिबुडेति वेमी। आज की वाचना यहीं परिपूर्ण होती है। अब हम आलोचना पाठ करेंगे। श्री आगमे तिविहे पन्नते तंजह सत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ए हव श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचा लगा हो तेमे आलो चंबायदम बच्चा मेलेम हिणखरम अचखरम पहिणम बिनहिणम जोगिणम गोसिणम सुट्ठो दिनम दुट्ठो बड़े चिन्नम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जायम सज्जायम सज्जायम असज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कणम। हम सभी भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से
हमारे सुविज्ञ सम्यज्ञ आत्मज्ञ संत रत्न मुनि रत्न श्री ऋषि मुनि जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। इन दिनों की पवित्रता को जिन वाणी को सुनते हुए और भी पवित्र बना रहे हैं। जो जो भी इस श्रुत आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, आ रहे हैं या आए हैं, उनके सौभाग्य की अनुमोदना करता हूं। हमारे जीवन में जिन वाणी के प्रति अगाध श्रद्धा प्रगाढ़ प्रेम अगर पैदा हो जाए तो इस नश्वर संसार में भी और इस नश्वर शरीर में भी हम अपने अविनाशी ईश्वर को देख सकते हैं। केवल इसी उद्देश्य से ये जिनवाणी की आराधना हो रही है। अब राजा हरिश्चंद्र की कथा प्रारंभ करूं, उससे पूर्व आप सभी ओम का उच्चारण करने के लिए कमर सीधी चित्त शांत आंखें कोमलता से बंद गहरा श्वास ओ शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानकवासी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में सत सत वंदन करता हूं। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में सत सत वंदन करता हूँ।
मेरी तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र के चारित्र में प्रवेश करें। इस चरित्र के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इन भावों को चंद पंक्तियों में हम प्रतिदिन दोहराते हैं, सुनते हैं और स्वयं बोलते भी हैं। एक बार पुनः उन पंक्तियों का स्मरण करते हैं और फिर चारित्र में प्रवेश करते हैं। धर्म न दूजा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना साची बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके हृदय प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे सत छोड़ा पत जाए सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए तप बल से भी सत्य का बल है अपरम पार हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए अब झनकार वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे मर घट में बिक गया राजा बिक गए तारा रानी वो अटल रहे धर्म पे फिर हो गई सब आसानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। कल आप लोग राजा हरिश्चंद्र के चरित्र में सुन रहे थे। कि महारानी तारा और रोहित पुत्र मेरे साथ कहां कहां भटकेगा, कहां कहां तकलीफ पाएंगे ये दोनों जीव, क्योंकि
सत्य धर्म की आराधना मैंने अपनी आत्मा के लिए की है, राजा होने के नाते की है, लेकिन पिता और पति का यह धर्म है कि मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना भोगना पड़े मेरे सत्य की वजह से। इसलिए एक विनम्र निवेदन किया था महारानी तारा से कि आप अपने पित्रालय यानी अपने मायके चली जाएं और मैं एक महीने खूब मेहनत और मशक्कत करके जो मैंने मुख से बोला है वो कर्जदार नहीं है विश्वामित्र का, केवल मुख से बोला है 1000 स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा दूंगा, क्योंकि राज्य का दान देने के बाद ऊपर से दक्षिणा देने का एक विधान होगा, उस विधान का उपयोग किया है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए, उसको प्रताड़ित, उसको परेशान करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए, उसको सत्य से डिगाने के लिए। और कितनी बड़ी विडंबना है एक संत सामने वाले को सत्य से डिगाना चाहता है। क्यों डिगाना चाहता है? कि इसकी एक ही ताकत है, वो है सत्य। अगर ये सत्य से डिग जाए तो मेरी तपस्या की ताकत जीत जाएगी। अगर आज मेरी तपस्या की ताकत और शक्ति नीचे आई है तो केवल इस सत्य की वजह से आई है। कहां तो एक संत होते हुए ऐसे सत्यानवेंशी का, सत्य गवेशी का, सत्य की गवेषणा करने वाले ऐसे, और वो भी गृहस्थ में रहते हुए ऐसे सत्यवादी का कहां तो अनुमोदना करनी थी। लेकिन अनुमोदना किसने नहीं करने दी? अंदर के अहंकार ने। मैं त्यागी ये गृहस्थी, मैं तपस्वी ये संसारी, इसकी ताकत मेरे से ज्यादा कैसे हो सकती है? केवल उसको सत्य से डिगाने के लिए ये सब जाल और छल और छद्म रच रहा है विश्वामित्र। चलो कामयाब हो गया है, वो राज्य का दान ले लिया है और 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा देने का संकल्प राजा ने भी ले लिया है। रात गुजारी है, दूसरे दिन का उजाला होने लगा है। ये कहानी अब उस वक्त की है, आप सभी सुने। स्वार्थ हेतु संसार नित करता है अभियान, पर भूपति का सत्य के हित सुंदर प्रस्थान। स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये सारा संसार पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है। जो जितने भी पुरुषार्थ कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें उनका स्वार्थ छुपा है। मेरी कोठी बन जावे, मेरा रुतबा बढ़ जावे, मेरा नाम हो जावे, मेरे पास मन चाही दौलत आ जावे और मन चाही दौलत से मैं मन माफिक कामयाबी को प्राप्त करूं। यानी ये जितना भी प्रयास है कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है। स्वार्थ के लिए तो हर कोई जुटा हुआ है, लेकिन धन्य है राजा हरिश्चंद्र। मेहनत तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसके मेहनत का जो लक्ष्य है, उसके पुरुषार्थ का जो उद्देश्य है, वो एक ही है कि मेरा सत्य सुरक्षित रह जावे, मेरी आत्मा सुरक्षित रह जावे, मेरा धर्म सुरक्षित रह जावे, मेरी जवान सुरक्षित रह जाए। तो क्या हुआ है? लाखों साल पहले बड़ा अच्छा दृश्य खींचा है कवि ने।
आज उषा साकेत पुरी के लिए प्रलय बन आई है। महलों से ले झोपड़ियों तक घटा शोक की छाई है। राजा राज्य छोड़कर काशी जाते ये सुनकर जनता पागल सी दौड़ी महलों को, वृद्ध युवा बालक वनिता। भूपति सेना सत्य भौत से गला फाड़ कर रोते हैं। कौशिक को गाली देते हैं, क्रुद्ध क्षुब्ध अति होते हैं। सहस लक्ष्य की क्या गणना है, भीड़ भयंकर प्रांगण में। क्रोध और विद्रोह उछाले भरता सबके कन कन में। ऐसा भी होता है भैया, कभी सवेरा इतना दुखदाई हो जाता है, अयोध्या के अंदर जो आज सूरज निकला है, वो सूरज पता नहीं कितनी किलकारियां, कितनी वेदनाओं को लेकर के प्रकट हुआ है। महलों से लेकर झोपड़ियों तक हर जगह लोगों के चेहरे लटके हुए हैं। बच्चे उदास हैं, युवा उदास हैं, महिलाएं उदास हैं, जवान उदास हैं, सभी की आंखें डबडबाई हुई है, क्योंकि उनके कानों में एक शब्द गूंज रहा है कि आज हमारे प्रिय राजा, हमको बच्चों की तरह प्यार करने वाले राजा, ऐसे परमार्थी राजा अयोध्या को छोड़कर काशी की ओर जा रहे हैं, बनारस की ओर जा रहे हैं। आज हमारा राजा हमें छोड़ करके जा रहा है, जो हमें बेहद प्यार करता था, सच्चा प्रेम करता था, और अपने राजा के प्रेम को महसूस करते हुए पूरी अयोध्या दुखाक्रांत हो गई है, दुख में डूब गई है। सुबह दिन निकलते ही सब लोग दौड़ पड़े महलों महल की तरफ, जो राजा का महल था। और राजा के महल के सामने एक बहुत बड़ा प्रांगण है। दिन निकलने से पहले ही वो सारा प्रांगण लोगों से भर गया। सिर ही सिर चमक रहे हैं, नजर दौड़ाओ तो ऐसा लगे कि मनुष्यों का सागर है। सब खोपड़ियां ही खोपड़ियां, और सबकी नजर महल के उस बड़े द्वार की ओर जो अभी खुलने वाला है। लोग रो रहे हैं, कोई विश्वामित्र को गालियां दे रहा है, ढोंगी है, पाखंडी है, हमारे राजा का सब कुछ छीन लिया, हमारे राजा को देश निकाला दे दिया, राज्य भी हड़प लिया और उसको यहां से भी निकाल दिया। जनता में विद्रोह। जब देखा कि विद्रोह चरम सीमा पर पहुंच गया है, उस वक्त राजपुरोहित ने वक्त की नब्ज को देखा, लोगों के विरोध और विद्रोह को देखा, कहा कि अयोध्या खून से रंग जाएगी और इन उत्तेजित जनता को संभालना बहुत जरूरी है। तो बीचों बीच एक बहुत बड़ा चबूतरा था, उस चबूतरे के ऊपर राज पुरोहित खड़े हो गए। श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, सफेद बाल हैं, सफेद दाढ़ी है, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें हैं। राज पुरोहित यानी राजा के बाद जिसका महत्व होता है, जो पूरे राज्य का पुरोहित है, ब्राह्मण है। जैसे ही वो प्रकट हुआ, दोनों हाथ खड़े करके पुरोहित ने पब्लिक में उभरते
भड़कते विद्रोह को शांत करने के लिए जैसे ही हाथ जोड़े, जनता शांत हो गई। जब जनता शांत हो गई तब पुरोहित ने उच्च स्वर में बोलना शुरू किया, क्योंकि पुरोहित का पहला धर्म है कि जनता में खून खराबा ना हो जाए। राज पुरोहित श्वेत समश्रुधर कहता विधि की माया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन थक, बड़े बड़े ऋषि मुनि थक हारे भेद नाभ तक पाया है। प्रकृति नटी पल पल में क्या क्या रंग कुरंग बदलती है, नृप को रंक रंक को राजा बना दृगों को छलती है। आज पुष्प खिला उपवन में वो कल है मुरझा जाता, चढ़ता सूर्य सवेरे नभ में शाम हुए पर ढल जाता। हरिश्चंद्र हा कल के राजा आज बने भिक्षुक पथ के, कौशिक भिक्षुक बने पलक में संचालक शासन रथ के। भाइयों शांत हो जाओ, ये कर्मों की माया है, ये भाग्य की विडंबना है। इस कर्म की माया को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, तो भी कर्मों की विचित्रता को कोई नहीं समझ पाया। शांत हो जाओ, क्योंकि आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, इंसान तो कैदी है किस्मत के इशारों का, इंसान तो कैदी है किस्मत के इशारों का। हर किसी को ये कर्म कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। रोष में मताओ, क्रोध में मताओ, देखो तो सही, बगीचे में अगर कोई फूल खिलता है तो वो भी मुरझा जाता है। सुबह जब सूर्य निकलता है शाम को वो भी छुप जाता है। एक ही दिन में सूर्य की तीन दशाएं होती हैं। एक वो सूर्य जब सुबह सुबह निकलता है सभी की आंखों को अच्छा लगता है, एक वो सूर्य जब सिर के ऊपर होता है कोई भी उसकी तरफ देख नहीं सकता इतना तेज होता है, एक सूर्य वो भी जब शाम को ढलता है छुपता है। ये किस्मत का खेल है भाइयों। कल तक जो हरिश्चंद्र हमारे देश के राजा थे आज वो भिक्षुक बन गए हैं, और कल तक जो भिक्षुक था, साधु था, सन्यासी था, भिक्षुक, आज वो शासन के रथ का चलाने वाला चालक बन गया है। ये कर्मों की विचित्रता है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं, कोई किसी की गलती नहीं। क्रोध मत करो, ऐसा होना ही था। जनता पुरोहित की उस वचनावली को सुनकर के शांत हो जाती है। पुरोहित ने कहा, अगर कुछ कर सकते हो तो एक ही दुआ करो कि जिस राजा ने अपनी जबान के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, हमारा राजा हमेशा अपने सत्य धर्म पर अडिग रहे, ये दुआ कीजिए। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ दिया है, तुमने अगर उनसे कुछ पाया है, तो उनके लिए एक ही दुआ दीजिए कि वो सही रहें, सलामत रहें, सुरक्षित रहें और अपने धर्म के पक्के रहें। ये बोला ही था, इतने में देखो क्या होता है, दरवाजे की आवाज आती है, बड़ा विशाल दरवाजा है। और आपने देखा होगा बड़े बड़े दरवाजे जब खुलते थे
तो चर्र चर्र की आवाज आती थी। तुम्हारे यहां तो तेल डला हुआ रहता होगा, शायद नहीं आता भैया, लेकिन जब पुराने मकान हुआ करते थे तो उनके दरवाजे खुलने की भी आवाज होती थी। इधर से सूर्य निकलने लगा है और उधर से सूर्य वंश का राजा, क्योंकि सूर्य के सामने ही उनका दरवाजा होता था। जैसे दरवाजा खुलता था सूर्य वंश के महलों का, तो सूर्य की पहली किरण महलों के अंदर तक जाती थी। इधर सूर्य निकला, इधर महल का दरवाजा खुला और वो दरवाजे के पीछे से कौन आया है देखो जरा। सूर्योदय होते ही राजा, सूर्योदय होते ही राजा रानी और तनय रोहित स्वर्ण महल से नीचे उतरे, रूप सर्वथा परिवर्तित। रोहित वसना भूषण से जो परिमंडित नित रहता था, आज जीर्ण सा चीवर पहने दास बाल सा लगता था। तारा मुक्ता खचित वस्त्र और भूषण का परित्याग किए, उत्तरी राजमहल से दुर्विध दासी का सा रूप लिए। हरिश्चंद्रनी शस्त्र नगन सिर एक मलिन चीवर धारे, देख अयोध्या वासी हा हा शब्द पुकार उठे सारे। जैसे दरवाजा खुला उस दृश्य को देखकर जितने भी अयोध्या वासी थे सभी की आंखें डबडबा गई। क्या देखा? उन तीनों को देख करके कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि अयोध्या की जनता ने अपने राजा को जिस रूप में देखा था आज वो रूप नहीं है। रानी को जिस साज और श्रृंगार और शान शौकत में देखा था वो कुछ भी नहीं है। एक तरफ राजा, एक तरफ रानी, और दोनों को हाथ पकड़े हुए बीच में रोहित, और रोहित को देखिए आप, एक छोटा सा फटा पुराना कपड़ा शरीर को ढके हुए है, एक फटे पुराने कपड़े की एक लंगोट सी बांध रखी। उधर से महारानी तारा जिसके शरीर पर आभूषण लदे हुए रहते थे, आज एक फटी पुरानी साड़ी पहन करके और अपना सिर ढक करके सामने दिखाई दे रही है। कुछ भी नहीं, केवल सुहाग के तौर पर एक एक चूड़ियां रखी हैं और कुछ नहीं रखा। और राजा हरिश्चंद्र जो राज मुकुट पहने हुए भव्य नजर आता था, आज एक धोती पहने हुए और एक पतला सा पुराना उत्तरीय वस्त्र डाले हुए सामने जब ये मूरत आई तीन, उन तीनों को देखते ही प्रजा का संतुलन बिगड़ गया। वो सोच भी नहीं सकते कि जिनको हम अपने दिल से मोहब्बत करते, जिनको हम अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते, आज हम उन तीनों को इस दशा इस रूप में देखेंगे। एकदम रो पड़े जोरों से। हरिश्चंद्र ने महल के ऊपर जो चबूतरा है सबसे पहले हाथ जोड़ा और तीनों ने हाथ जोड़ा। हाथ जुड़ते ही प्रजा रोने लगी। फिर हरिश्चंद्र ने कहा, शांत हो जाओ। उनका ये रूप देखते ही एक बार फिर विश्वामित्र के प्रति क्रोध फिर उमड़ पड़ा, फिर उन्हें शांत किया।
अब बारिश शांत करने की हरिश्चंद्र की थी। शांत हो जाओ, वो मेरे गुरु हैं, उनके लिए एक शब्द की बुरा, वाह इसको कहते हैं। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु ने कुछ ऐसा कर दिया होता ना, तुम उसका चेहरा भी नहीं देखते। ये अंतर महसूस करना कभी, अगर तुम्हारा गुरु दो वक्त तुम्हारे मुंह तुमसे ढंग से बात ना करे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई स्माइल पास ना करे तो खोपड़ी खराब हो जाती है। लेकिन जिस गुरु ने सब कुछ छीन लिया है लेकिन उसके बाद भी दिल में अपार मोहब्बत है, श्रद्धा है, और ये कहा कि गुरु के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना, ये मेरी विनती है। मेरे गुरु ने मुझे कोई बर्बाद नहीं किया, उन्होंने मुझे जिस योग्य समझा उन्होंने वो मुझे काम दिया है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना। जब राजा ने ऐसा बोला उच्च स्वर से, जनता फिर शांत हुई और कहा आप सभी की साक्षी से एक संकल्प ले रहा हूं। और उस संकल्प को उन्होंने अपनी कविता में बोला है, हो सके अगर आपको भी जचे तो आप भी हरिश्चंद्र बनकर के बोलने की कोशिश करना। दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, प्रण को कर पूर्ण दिखाऊंगा, मैं क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। धर्म के पथ पर चलने वालों की क्या सोच होती है वो हरिश्चंद्र बोल रहा है। सुख दुख का कुछ भी ध्यान नहीं, सुख दुख का कुछ भी ध्यान नहीं, धन वैभव का अरमान नहीं, धन वैभव अरमान नहीं, वन भिक्षुक धक्के खाऊंगा, मैं अपना परण निभाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। एक बात और कहता है, ये राजपाट सब सपना है, ये राजपाट सब सपना है, एक सत्य धर्म ही अपना है, एक सत्य धर्म ही अपना है, निज ध्येयों पे बलि जाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मधु भोजन शाही छोड़ूंगा, मधु भोजन शाही छोड़ूंगा, वन फल से नाता जोड़ूंगा, वन फल से नाता जोड़ूंगा, तरु नीचे रात बिताऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। और एक और संकल्प बोला है, आकाश के तारे पृथ्वी पर, आकाश के तारे पृथ्वी पर, पृथ्वी के पर्वत हो नभ पर, पृथ्वी के पर्वत हो नभ पर, पर में निज पथ न भुलाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा।
होगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। जब ये संकल्प सुना तो पूरी जनता ने बोला है, बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आज इतना ही, क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य भी है, इसको यहीं समेट रहा हूं। आप सभी कल की क्या घटना घटित होगी उसको सुनने के लिए हो सके तो अवश्य आना, और श्रुत आराधना का समय चल रहा है, समय पर आने का भाव रखें। ओम शांति। भगवान महावीर के अंतिम देश